हेलो एवरीवन आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी बेसिक जानकारी मैं दे देता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड जो कि है थीरेटिकल पार्ट में देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमारा बनता है वो ए एस से बनता है जो रिवाइज हुआ है और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का मेन रीज़न क्या है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये जानना इसकी तीन एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो जो भी होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग हम किस तरीके से करते हैं ये समझ लेते हैं कैश इनफ्लो में कैश सेल नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल रॉयल्टी कमीशन रेंट इनकम टैक्स रिफंड ये सब हम नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हमारे लिए क्या होता है इनफ्लो होता है और फाइनेंसिंग कंपनी जो होंगी उनके लिए रिसिप्ट फ्राम रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड प्रोसीड फ्राम सेल ऑफ़ सिक्योरिटीज ये सब क्या होंगी इनफ्लो होंगी और आउटफ्लो की बात करें तो इन केस ऑफ नॉन फाइनेंसिंग कंपनी कैश परचेज पेमेंट टू ट्रेड पेबल पेमेंट टू पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेमेंट ऑफ वेजेस इनकम टैक्स पेड ये सब क्या होंगे आउटफ्लो होंगे और यहाँ पे फाइनेंसिंग कंपनी जो होंगी जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं उनके लिए जो कैश आउटफ्लो होगा वो होगा पेमेंट ऑफ पेमेंट फॉर इंटरेस्ट पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ ये सारी चीज़ें होंगी इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया एक इम्पॉर्टेंट नोट है इनकम टैक्स पेड इज़ नॉर्मली शोन एज नेट ऑफ इनकम टैक्स रिफंड दैट इज़ इनकम टैक्स पेड लेस इनकम टैक्स रिफंड इज इक्वल टू इनकम टैक्स पेड ये माना जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है इनफ्लो होगा प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ़ इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट इसके अलावा कैश आउटफ्लो की बात करें तो यहाँ पे आएगा परचेज ऑफ फिक्स असेड्स परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ इंटरेस्ट इनकम टैक्स पेड इफ़ रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ से रिलेटेड होगा तभी आएगा यहाँ पर और फाइनेंशियल एक्टिविटी में कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो जब हम शेयर इशू करेंगे उससे जो पैसे आएंगे डिवेंचर इशू करेंगे लॉन्ग टर्म बॉरोइंग्स अगर हमने ले रखी है बैंक ओवर ड्राफ्ट कर रखा है या कैश क्रेडिट कर रखा है तो इससे इनफ्लो होगा जब हम लोन का पेमेंट करेंगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का वो हमारे लिए आउटफ्लो होगा रिडम्सन करेंगे प्रेफरेंस शेयर का आउटफ्लो हो जाएगा हमारे लिए पेमेंट ऑफ बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट और इनकम टैक्स पेड इफ़ रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो ये सारे हमारे लिए क्या हो जाएंगे आउटफ्लो तो यहाँ पे मेनली हमें किसकी बात करनी इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसी की बात करते हैं हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर वन है डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर देन फाइनेंसिंग इंटरप्राइजेज यानी फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज से अलग इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर यहाँ पे डिविडेंड जो रिसीव्ड होता है अदर दैन फाइनेंशियल इंटरप्राइज इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर ऑप्शन ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑप्शन बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑप्शन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी और ऑप्शन डी है जनरल एक्टिविटी तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्योंकि यहाँ पर डिविडेंट जो रिसिव्ड होगा वो हमारे लिए क्या होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा जो मैंने अभी आपको शो किया था क्वेश्चन नंबर टू है डिविडेंट रिसिव बाई फाइनेंशियल इंटरप्राइज इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर अब यहाँ पे डिविडेंड आपको रिसीव्ड हो रहा है फाइनेंशियल इंटरप्राइज के लिए तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कहाँ पे शो होगा ऑप्शन ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑप्शन बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑप्शन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी और ऑप्शन डी है जनरल एक्टिविटी तो ये कहाँ पे शो होगा ये होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ पे आपका फाइनेंशियल इंटरप्राइज के लिए डिविडेंड रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इट इज शोन एज ऑप्शन ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑप्शन बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑप्शन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑप्शन डी जनरल एक्टिविटी क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं गिवन है किसके लिए या इनकम टैक्स पेड हो रहा है तो हम उसको हमेशा कंसीडर करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए तो राइट right ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर फोर है डिविडेंड पेड बाय ए फाइनेंशियल कंपनी इज शोन एज कैश आउटफ्लो अंडर यहाँ पे डिविडेंट पे हो रहा है फाइनेंशियल कंपनी के लिए जो कैश आउटफ्लो होगा किसके लिए ऑप्शन ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑप्शन बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑप्शन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑप्शन डी कैश एंड कैश इक्की तो इसका जो राइट right ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही हम डिविडेंड का पेमेंट दिखाते हैं तो राइट right ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर फाइव है डिविडेंड पेड बाय ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी इज सोन एज ऑप्शन ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑप्शन बी इन्वेस्टिंग ऑप्शन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड ऑप्शन डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिविडेंड पेड होगा चाहे वो फाइनेंसिंग कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंसिंग कंपनी वो हमेशा आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर सी सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स शोन अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनमें से क्या है जो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो होता है ऑप्शन ए इंटरेस्ट पेड ऑप्शन बी कमीशन रिसिव्ड ऑप्शन सी कैश रिसिव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स ऑप्शन डी कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट पेड क्या हो जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा आपका बाकी कमीशन रिसीव्ड है ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है कैश पेड ऑफ़ परचेज ऑफ गुड्स ये हमारा आउटफ्लो हो रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए तो इंटरेस्ट जो पेड होगा वो हमारे लिए क्या होगा फाइनेसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर सेवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनमें से कौन सा है जो कैश या कैश से इक्वलेंट नहीं इंक्लूड होता है ऑप्शन ए बैलेंस विद बैंक ऑप्शन बी बैंक डिपॉजिट विथ हंड्रेड डेड ऑफ मेच्योरिटी ऑप्शन सी कैश एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड ऑप्शन डी कैश ऑन हैंड तो यहाँ पे आपको सब कुछ पता है बैंक बैलेंस विथ बैंक ये हमारा कैश की इक्विवेलेंट है चेक एंड ड्राफ्ट जब हमको जरूरत होगी कैश के इक्विवेलेंट कर लेंगे कैश ऑन हैंड तो ऑलरेडी कैश है ही है तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका ये नहीं इंक्लूड होता है कैश एंड कैश के इक्विवेलेंट तो राइट right ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर एट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनमें से कौन सा है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है ऑप्शन है इन्वेंट्री ऑप्शन बी करंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ऑप्शन डी मार्केटेबल सिक्योरिटी तो इसका जो राइट right ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक क्योंकि इन्वेंट्री जो है उसको हम कैश एंड कैश इक्वेलेंट के अंडर इंक्लूड नहीं करते हैं ये इसका पार्ट नहीं होता बाकी करंट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म डिपॉजिट मार्किटेबल सिक्योरिटीज़ ये सब कैश एंड कैश इक्व के पार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड एज नॉन कैश एक्सपेंसेस इनमें से कौन सा है जो नॉन कैश एक्सपेंसेस में ऐड नहीं होता है ऑप्शन ए गुडविल एमोटाइजेशन ऑप्शन बी डेप्रीशियशन ऑप्शन सी इंटरेस्ट ऑन डिन्चर पेड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एब तो इसका जो राइट right ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड ये इसका राइट right ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टेन है ए आर लिमिटेड एक कंपनी है हैज़ मशीनरी रिटर्न डाउन वैल्यू यहाँ पे लिमिटेड है इसका नाम है एल टी डी हैज मशीनरी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ विच ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एटीन वॉज एट लाख सिक्सटी थाउजेंड एंड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन वॉज नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड डेप्रिशिएशन फॉर द ईयर वाज फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर ए पार्ट ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड विच हैज रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ कैलकुलेट आपको कैलकुलेट करनी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ देखते हैं कौन कौन से बच्चे हैं जो कैश फ्लो का ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं इसका राइट right ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन नंबर बी है वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड निगेटिव बैलेंस यानी ये परचेज़ हुई है हमारी मशीनरी किस तरीके से आई है ये आप हमको कैलकुलेट करके बताइएगा तब मैं समझूंगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है हालांकि ये मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहली बार वीडियो दिया है फिर भी आप में से काफ़ी बच्चे हैं जो कैशलो स्टेटमेंट किए हुए हैं मैं जानना चाहता हूँ कि इनकी क्या स्ट्रेंथ है तो इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर एलेवन जो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है उसी क्वेश्चन को रेफर करता है और आपसे पूछता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है जब आपने मशीनरी सोल्ड आउट की है तो मशीनरी कितने में बिकी है पच्चीस हज़ार रुपये में और जिस समय बिकी है उसकी वैल्यू कितनी थी ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ तो गेन कितना हुआ फाइव थाउजेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी तो ये था एक छोटा सा वीडियो कैसे स्टेटमेंट के लिए उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और आपकी नॉलेज को भी इंक्रीज करेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल